आर 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 रीस्किल रिजॉल्व रिजॉइस। यस, इट्स अ बिग न्यूज फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर ऑल द सीएस स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी। इट्स अ वेरी वेरी बिग न्यूज। सो गाइज एंड गर्ल्स, पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सी ए स्टूडेंट्स 2023, इधर आपका एग्जाम खत्म और इधर मस्ती शुरू। मस्ती 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 मस्ती। अरे मस्ती कौन करवा रहा है? मैं नहीं, आप नहीं, इंस्टीट्यूट, सी ए इंस्टीट्यूट खुद आपके लिए बोल के आ रहा, आ जाओ बच्चा लोग, ढेर सारा मस्ती, ढेर सारा फन, ऐसा मतलब धमाका कि जो कि मतलब इंडिया में एक बार ही होता है कभी साल में। तो आपके लिए ईस्टर्न इंडिया में होने जा रहा है 24 और 25 जून। ध्यान रखें आप, बहुत सुहाना अवसर है ये 24 और 25 जून। हर सीए का बच्चा यहां प्रेजेंट होना ही होना है, साइंस सिटी ऑडिटोरियम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अगर आप बाहर से भी आना चाहें तो नथिंग लाइक इट, ऐसा मजा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्डली हार्डली कोई और रीजन में भी होता है। और ये इस बार जो फ्लैगशिप प्रोग्राम हो रहा है, इसीलिए मैं भी आपको शेयर करने जा रहा हूं कि भाई ये मिस मत करना, ये एग्जाम जैसे ही बीत जाए बस इसके लिए तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपके लिए, इस प्रोग्राम में आपके लिए आ रहे हैं कितने सारे मोटिवेटर्स, कितने सारे गेस्ट, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो मैं वो भी दिखा देता हूं कौन कौन आ रहे हैं। देखो ये देखो, दिखा क्या आपको? कैन यू सी? क्या आपने, अरे ये यूपीएल क्या आ गया? जी ये रहा, कैन यू सी, ये एस्ट्रिक्स लगा हुआ, मतलब अभी वर्बल कंफर्मेशन है, रिटन कंफर्मेशन नहीं आया। इसलिए तेजस्वी सूर्या जी एमपी, द यंगेस्ट एमपी, वन ऑफ द यंगेस्ट एमपी, दीपक वोरा जी हु इज स्पेशल एडवाइजर टू आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, सुधा मूर्ति, नो मेंशन ऑफ एनी इंट्रोडक्शन, अमन गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी से, हमारे शार्क टैंक के जज अमन गुप्ता, बोर्ड के सीएमओ, जया किशोरी जी ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, सुपर 30 के आनंद कुमार सर। और अगर ये आ गए, अभी रिटर्न कंफर्मेशन नहीं आया बस इसलिए एस्ट्रिक्स है, ये अगर आ गए तो सोचो ऐसा मौका आपको इनसे मिलने का, इनकी बातें सुनने का, इनके वर्जन से इंडिया के बारे में सुनने का कहां मिलने वाला आपको, कोई सवाल ही नहीं होता। उसके अलावा इनमें होता है इस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल सेशन, जिसमें होने वाला है मूट कोर्ट, कोर्ट प्रोसीडिंग्स का सिमुलेशन, जैसे कि एक ओरिजिनल कोर्ट बना के, जज बना के, कोई वकील होगा, कोई मुलजिम होगा, कोई क्लाइंट होगा, उसके लिए कैसे लड़ेंगे, एआई चैट जीपीटी को लेकर कैसे फ्यूचर में हम डाइव कर सकते हैं, बिग सेवन एंड कंसल्टिंग फॉर्म्स को लेकर हम किस तरीके से आपको आइडिया देंगे, एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट होगा, कोई ड्रामा टाइप का कुछ होगा, जिसमें आपको बिग सेवन एंड कंसल्टिंग फॉर्म्स कैसे बातें करते, कैसे सोचते, उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है इसमें कि आप आके अपना पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे, टेक्निकल सेशन कहते हैं हम लोग उसको, वो होता है नेक्स्ट जेन अपॉर्चुनिटीज में। तीन टॉपिक है इसमें, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स हो, आप अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे मैं सब आपको लिंक विंक वीडियो में दूंगा। और अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट बुलाएगा अपने खर्चे पर, ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा, और आप आके साइंस सिटी ऑडिटोरियम, विच इज ऑडिटोरियम टू एकोमोडेट अराउंड 2500 स्टूडेंट्स एट अ टाइम, इतना बड़ा स्टेज पर आपको बोलने का मौका मिलेगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के टॉपिक पर, वैल्यूएशन फॉर स्टार्टअप्स के टॉपिक पर, यूजिंग डेटा एनालिटिक्स टू कंडक्ट फॉरेंसिक ऑडिट के टॉपिक पर। आपको इसके ऊपर गूगल से रिसर्च करके प्रेजेंटेशन देना है, तो उसके लिए आपको एक राइटअप जमा करना पड़ता है पहले, वो राइटअप आपका इवेल्युएट होता है, अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको बुलाया जाता है। सक्सेस मंत्र, एक अनोखा टॉपिक जिसको नॉर्मली सब्जेक्ट्स कवर नहीं करते, बट अगर रियल वर्ल्ड में सक्सेस पाना है तो इन सब के ऊपर सोचना पड़ता है। ब्लू ओशन स्ट्रेटजीज, व्हाट आर ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, जैसे एक रेड ओशन होता है, एक दूसरा ब्लू ओशन होता है,
रेड ओशन मतलब जहां बहुत कंपटीशन है, ब्लू ओशन मतलब जहां पे कोई कंपटीशन नहीं, हमने अपना मार्केट खुद बनाया है, तो उनके ऊपर आपको केस स्टडीज लिखना है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स रिसेंट वर्ल्ड में जो आए हैं उसके ऊपर वो लिखना है और बताना है कि किस तरीके से ये ब्लू ओशन में लोग पैसे कमाए, कंपनी पैसे कमाई है या कमा सकते हैं, उसका स्कोप क्या है, इसका रिस्क क्या है। आपको केस स्टडी बनाकर एक जमा करना पड़ता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते का रस्ते मा फलेषु कदाचन, इसके ऊपर आप कितना डिटेल में लिख सकते हो कि क्या इसको लेकर इंसान सक्सेस कैसे पा सकता है, कर्म और फल का रिलेशनशिप क्या है, IQ EQ AQ यानी कि इमोशनल क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये तीनों मिलकर एक इंसान को कैसे सक्सेसफुल बनाता है जो लाइफ स्किल होता है। ऑडिट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड टैक्सेशन, इसके ऊपर तीन टॉपिक रखा गया है, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन टैक्सेशन, नेविगेटिंग द डिजिटल इकोनॉमी, ऑडिट ट्रेल, रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस, मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रेटजीज, केस स्टडीज, फिर आत्मनिर्भर भारत पर एक पूरा आपका सजेशन दिया गया है कि इंडिया स्पार्ट टू इकोनॉमिक सुपर पावर, डीडॉलराइजेशन, कैसे इंडिया हम लोगों का एक नेक्स्ट लेवल पर USA को पछाड़ के निकल जाएगा और इंडिया का करेंसी वर्ल्ड लेवल में चलेगा, उसके ऊपर बहुत सारी बातें ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड चल रही है, तो उसको लेकर केस स्टडी प्रेजेंट करना, G20 समिट एंड इंडियाज वॉइस, उसमें इंडिया क्या कह रहा है और G20 समिट क्या है, उसमें की इश्यूज क्या अभी भी डिस्कस किए जा रहे हैं, उन सब के ऊपर आप अगर पेपर बनाकर, पेपर मतलब आर्टिकल्स बनाकर डिटेल में सबमिट करोगे, अच्छा वेल थॉट वेल रिसर्च्ड, तो आपको बुलाया जाएगा साइंस सिटी ऑडिटोरियम में 2000 स्टूडेंट के सामने बोलने के लिए, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, ऐसा मौका जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे कि आपको कभी वहां बुला के बोलने बोला गया था। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मस्ती, ग्रैंड मस्ती, धमाका, कल्चरल प्रोग्राम बाय स्टूडेंट्स, नाच गाना, और जो बच्चे जो धमाका करते हैं, जो मतलब स्टेज फाड़ देते हैं, क्या बोले, ऐसे पास में जब प्रोग्राम हुए मतलब अच्छा अच्छा आपका गीत सम्मेलन फेल है इसके पीछे, और फिर इसमें कोई स्टैंड अप कॉमेडियन और कोई म्यूजिकल बैंड भी आ सकता है, ये अभी डिस्क्लोज नहीं है, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या हो सकता है, ग्रैंड मस्ती करने का। तो फ्रेंड्स, अगर आप CA के स्टूडेंट्स हैं तो आपको चाहे फाउंडेशन में हो, चाहे इंटर में हो, चाहे फाइनल में हो, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना ही है। फीस इज जस्ट ₹500, इट्स जस्ट एवरीथिंग इंक्लूसिव, इंक्लूड्स किट एंड लंच, अगर दो दिन का खाना पीना देखोगे तो 500 से ज्यादा का तो खाना आ जाएगा। इट्स जस्ट अ फीस दैट वी आर कलेक्टिंग, दैट इज इंस्टीट्यूट इज कलेक्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ योर कंफर्मेशन कि आप आओगे आओगे, ठीक है। ये प्रोग्राम में एक एक स्टूडेंट के पीछे 3,000 से 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, बट कलेक्शन सिर्फ ₹500 किया जा रहा है, सो डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट। ये जो मोमेंट आपको मिलेगा जब आप इतने बड़े बड़े लोगों से इंडिया के बारे में सुनोगे, इनसे मोटिवेट होगे, तो आपका एक नजरिया देश के प्रति, खुद के प्रति, खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बदलता है। मैं पास में अपने भी एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में जाना बहुत पसंद करता हूँ, बिकॉज मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे आके एकदम सोल पावर आ जाता है, ऐसा लगता है कि यस जो कर रहे हो वो सही कर रहे, एक बड़े फ्रेटर्निटी का पार्ट बन रहे हैं, तो आपको मिस नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर। इसके अलावा यदि आप कल्चरल प्रोग्राम वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका मन है करने का, अगर आप ईस्टर्न रीजन में हो तभी आप करना, क्योंकि अदरवाइज आपको इसके रिहर्सल्स वगैरह करने पड़ेंगे, तो उसके लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बोलकर। आप अगर कलकत्ता के हो तो जरूर पार्टिसिपेट करो, डांस में, म्यूजिक में, सिंगिंग में, बहुत सारे और भी डिफरेंट चीजें होंगी। अगर आप मास्टर ऑफ सेरेमनी के लिए आगे आना चाहते हो, जैसे कि प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए जो एंकरिंग करना है, वन बॉय वन गर्ल, एंड वी विल नीड अराउंड 10 to 15 बॉयज एंड गर्ल्स फॉर कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम फॉर कंसेक्यूटिव 2 days, सो इफ यू आर गुड इन दैट यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट दैट वे, डोंट फॉरगेट, फर्स्ट रजिस्टर एंड देन यू शुड कम। सर, अगर हम पेपर लिखेंगे और हम सिलेक्ट हो गए तो रजिस्ट्रेशन फिर भी करना पड़ेगा क्या? रजिस्टर कर लो ना यार, ₹500 में कुछ नहीं जाएगा। और सर, हम कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, हम सिलेक्ट हो गए तो फिर भी रजिस्टर कर लो ना, ₹500 में कुछ नहीं जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेंगे इंस्टीट्यूट में कि भाई क्या करना है, आपको रिफंड करवाना है तो करवा देंगे, तो करवा देंगे, नहीं बिक रहे हैं तो भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं, देखो आप पेपर लिखोगे अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो प्रोग्राम मिस हो जाएगा, अगर आप कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो सिलेक्ट नहीं हुए तो प्रोग्राम मिस हो जाएगा। प्रोग्राम मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए ₹500 देकर रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर
ज्यादा डिटेल्स देखना है तो ये वेबसाइट देखो, ये QR कोड स्कैन करो, और इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो इंस्टीट्यूट के कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, आप उधर उनसे बात करो. सो प्लीज डोंट मिस दिस इवेंट, इट्स अ ग्रेट इवेंट फॉर बाय द इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द काइंड ऑल ओवर इंडिया. इसकी चर्चा ऑलरेडी हो रही है, दूसरे रीजन्स वाले जल रहे हैं कि भाई हम लोगों के यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, ईस्टर्न रीजन में हो रहा है. आप ट्रैवल करके आओ, बड़ा मजा आएगा. कलकत्ता भी आने का सोचो यार, इतना बढ़िया नेटवर्किंग, ऐसा मस्ती. साइंस सिटी एक अपने आप में एक जगह है, बड़ा मजा आता है यहाँ पर. तो पूरा दो दिन ग्रैंड मस्ती, ग्रैंड धमाका मिलेंगे. हम लोग भी साथ में मस्ती करेंगे, साथ में मजे करेंगे, और साथ में ये पूरा लर्निंग सेशंस एंजॉय करेंगे. अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जल्दी से प्रोग्राम बनाओ. भाई बहन जो भी, भैया दीदी मम्मी पापा जो भी है, हाँ ये CA स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है, ध्यान रखें, मम्मी पापा का प्रोग्राम नहीं, तो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है. तो स्टूडेंट्स से नेटवर्किंग करने का इससे सुनहरा मौका नहीं है. अब ट्यूशन सेंटर्स वगैरह में कहाँ बच्चे आके इंटरेक्ट कर रहे भाई, तो आप लोग एक दूसरे को पहचानोगे कैसे कल को बड़े बड़े कंपनी में जाओगे. तो यही सब मौका है, ये सब मौका आप छोड़ना नहीं. डिजिटल वर्ल्ड में ये सभी आपका नेटवर्किंग का जगह, जो पहले ट्यूशन्स में हो जाता था अब यहाँ पे होगा. तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, दो दिन का सुनहरा मौका, प्लीज इसको मिस मत करिएगा. इसमें मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ आपका फायदा, आपका फायदा, आपका फायदा है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मस्ती मिस नहीं होना चाहिए, मतलब गजब का बात है, मस्ती मिस नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ. ठीक है, सो मिलूंगा मैं आपसे फिर, तब तक ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाते रहिए, CA स्टूडेंट्स में खबर फैलाते रहिए.